साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। भाई आज अपन बात करेंगे दुबई यूएई से रिलेटेड। दुबई में कोरोना से अपडेट हम बात करेंगे। गवर्नमेंट ने कुछ एहतियात बरतने के लिए कुछ ढील दिया है, उससे रिलेटेड बात करेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर रोज विदेश से रिलेटेड आपको सही जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए पहले अपन बात करते हैं साथियों कोरोना से रिलेटेड। भाई दुबई में कोरोना के क्या अपडेट है तो बता दूं साथियों, लगभग 10,000 प्लस पॉजिटिव अभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज की 26 अप्रैल तक की डेट की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें से 75 प्लस अभी तक डेथ अभी हो चुकी हैं कोरोना के मरीजों में। 2,000 के प्लस अभी इसमें से रिकवर हो गए हैं। ये तो है कोरोना अपडेट से रिलेटेड। आगे हम बात करते हैं साथियों, लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई है। आपको बताइए, आप रहते हैं दुबई में या फिर आप इंडिया कहीं से भी हो, लॉकडाउन में ढील दी गई है। ज़रूरी सामान या फिर कोई ख़रीदारी शॉपिंग करने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो शाम 6 बजे से शाम 10 बजे तक के बीच में 4 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें आपको निर्धारित नियमों की पालना करते हुए, जिसमें 6 मीटर की दूरी, नॉर्मल तरीके से बात करें तो हाथों पे हेड ग्लव्स, मुंह पे मास्क वगैरह लगा के आपको जाना होगा। अगर इसमें आप उल्लंघन करते पाए गए तो 1,000 दिरहम आपका जुर्माना हो सकता है। तो भाई अगर आप बाहर निकलते हैं तो थोड़ा इसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट आगे न्यूज़ निकल के आ रही कि साथियों 15 या 16 मई से दुबई की जो एहतियात एरोप्लेन है, उन्होंने घोषणा की है कि भाई हम फ्लाइट स्टार्ट कर देंगे 15 या 16 मई से स्टार्ट उनकी हो जाएगी। लेकिन उसमें देखिए काफ़ी कंट्रियों के उन्होंने नाम दिए, पाकिस्तान का नाम उसने नहीं दिया अभी तक। इंडिया की उन्होंने बोला है कि भाई अगर वहाँ की गवर्नमेंट हमें इजाज़त देती है तो हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये मान के चलिए अच्छी न्यूज़ उनकी तरफ से आ रही है, ताकि यात्रियों का आदान प्रदान हो सके, इधर के उधर जो भी है प्रोसेस में सिस्टम लाया जाए। आगे साथियों न्यूज़ निकल के आ रही है कि उम्मीद की जा रही है, मैं बता दूं आपको, उम्मीद की जा रही है 1 मई से, या हो सकता है 30 तारीख तक गवर्नमेंट दुबई यूएई की गवर्नमेंट कुछ घोषणा करते हैं कुछ जॉब से रिलेटेड। क्योंकि भाई पता है आपको, जॉब अगर स्टार्ट नहीं होंगे तो लोगों की फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होनी है, वो तो हो ही रही है, ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी गवर्नमेंट ये विचार कर रही है दुबई यूएई गवर्नमेंट की भाई 1 तारीख से छोटी मोटी कंपनियाँ थोड़ा बहुत काम स्टार्ट हो जाए, तो ये बेस्ट न्यूज़ रहेगी मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए। आगे चौथी न्यूज़ निकल के आ रही है साथियों, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, अभी जहाँ कई कुछ जगह काम किया जा रहा है तो वहाँ पे जैसे 8 घंटे की ड्यूटी है उसको कम करके 6 घंटे कर दिया गया है। आगे भी जैसे अभी काम स्टार्ट हो जाता है रमज़ान के दौरान, तो ड्यूटी आवर्स आपका 6 आवर्स ही रहेगा, 6 घंटे के दौरान ही आपको काम करना होगा। ये भी एक अच्छी न्यूज़ आप लोगों के लिए निकल के सामने आ रही है। दो इंपॉर्टेंट नोटिस पे अपन बात करेंगे साथियों, दोनों इंडिया से रिलेटेड है। पहली बात बता दूं भाई, आप दुबई में हैं, आपके पास प्रॉब्लम देखो होती है, वो तो नो डाउट आपको बताने की, कहने की, कमेंट मेल करने की जरूरत नहीं है, दिक्कत तो है। इंडिया में बैठे उनको दिक्कत है, आप तो विदेश में बैठे हो तो दिक्कत 100% होनी है, नो डाउट। देखिए अगर आपको कोई ऐसी कुछ खास प्रॉब्लम है तो भाई आप इंडियन एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करिए, उनकी नज़र में आप डालोगे तो ही उनको पता लगेगा कि आपको प्रॉब्लम है। आपको जैसे आपको भूख मरने की नौबत आ रही है, नॉर्मल तरीके में बात नहीं कर रहा हूँ, हार्डली जैसे दिक्कत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उस कंडीशन में बात करूँ। हालांकि इस टॉपिक पर सेपरेट वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा तो उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा। अगर आपको खास तौर से ज़्यादा प्रॉब्लम है तो भाई आप इंडियन एम्बेसी से दुबई यूएई में है वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करें, ताकि आपका कुछ समस्या का समाधान वहाँ पर हो सकता है। आगे आपको खुशखबरी की बात बता दें भाई, मैंने वीडियो पहले भी डाले, अभी इस न्यूज़ में भी मैं बता देता हूं कि लॉकडाउन 3 तारीख या 4 मई को इंडिया में दिल्ली एयरपोर्ट ओपन होने जा रहा है। नो डाउट गवर्नमेंट ने अपने स्तर पे पूरी तैयारियां कर ली हैं और बढ़िया न्यूज़ निकल के आ रही है। कोर्ट ने भी इसमें आदेश दिया है, उसमें अलग से वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं कौन से टॉपिक पे क्या बात हुई थी। तो मेरे हिसाब से जानकारी साथियों 5-7 पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिया। आगे जैसे कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही मोटिवेशन वीडियो मिलते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।